देखिए, हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी और मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जी को संबोधित ज्ञापन दिया है। भरतना में जो कोरोना काल से पूर्व ट्रेनें बंद हुई हैं, मुरी, मानंदा, लिंक और संगम, उनके पुनः ठहराव के लिए ज्ञापन दिया है, क्योंकि भरतना एक व्यापारिक नगर है और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के व्यापारियों को जो सुदूर राज्यों की यात्रा करते हैं, बहुत सारे शहरों में जाते हैं, उन्हें आने में जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं इटावा ट्रेन पकड़ते हैं, कहीं कानपुर पकड़ते हैं, कहीं ग्वालियर पकड़ते हैं। भरतना का राजस्व आसपास के जिलों और या इटावा इन सबसे ज़्यादा है, और तो इसलिए हम रेल मंत्री से निवेदन करते हैं, यहाँ जो ट्रेनें बंद हुई हैं आप उनका पुनः ठहराव जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। अभी हाल ही में माननीय रेल मंत्री जी ने दो ट्रेनों का यहाँ पे ठहराव दिया था, गोमती और फरक्का का, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि इससे दिल्ली और लखनऊ दो जो देश की प्रमुख राजधानी है वहाँ पर कनेक्टिविटी सीधी हम लोगों की हो गई है। पर जो ट्रेनें मुरी जो जम्मू जाती है, लिंक एक्सप्रेस जो प्रयागराज से हरिद्वार के लिए जाती है, देहरादून के लिए जाती है, मानंदा जो नॉर्थ ईस्ट को कवर करती है, और संगम जो मेरठ, क्रांतिकारी सिटी मेरठ को जाती है, इन चार जगह ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इन चारों जगहों पे भरतना से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। केवल भरतना ही नहीं, यहाँ मैनपुरी लोकसभा लगती है, आपके पूर्व में औरैया की बिदूना तहसील लगती है, और यहाँ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ये पूरे भरतना तहसील 73 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। भरतना नगर की आबादी 3 लाख से ज़्यादा और पूरी विधानसभा तहसील की आबादी लगभग 5 लाख से ज़्यादा है। इतने बड़े एरिया को ये क्षेत्र कवर करता है और इसके एकमात्र आवागमन का साधन भरतना है। यहाँ पर ट्रेनों का न रुकने से सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि यात्रियों को दिक्कत बहुत है। क्या उम्मीद है जो आप लोगों ने अभी ट्रेनों के जो पुरानी ट्रेनें बंद हैं? देखिए, हम लोग बहुत आशान्वित लोग हैं, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं और लगातार हम लोग इस संबंध में ज्ञापन भी दे रहे हैं, काफ़ी समय से हम लोग मुहिम चला रहे हैं और रेल मंत्री से बहुत आराम से हम लोग निवेदन लगातार करते आ रहे हैं कि यहाँ पर आप ठहराव दे दीजिए ट्रेनों का, जो मुरी, महानंदा, संगम, लिंक जो कोरोना काल से पूर्व रुकती थी, या कम से कम 25-30 साल से ये ट्रेन रुक रही थी। जो रुकी है उनमें क्या प्रोग्रेस है? देखिए, आप प्रोग्रेस स्वयं प्रत्यक्ष आके देख सकते हैं। सुबह जब गोमती आती है या शाम को अभी जब गोमती आने वाली है, स्टेशन पे चढ़ने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है ट्रेन में, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है कि इसी की वजह से इटावा स्टेशन का सुबह का राजस्व 20% घट गया है, क्योंकि गोमती एक्सप्रेस का ठहराव बरतना होने से यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं। तो ये हम रेल मंत्री से निवेदन करते हैं कि बरतना व्यापारिक नगर है और व्यापार की दृष्टि से बहुत समृद्ध नगर है, तो आप यहाँ पर व्यापारियों के हित में, जनता के हित में, यहाँ के यात्रियों के हित में यहाँ पर आप मुरी, मानंदा, संगम और लिंक एक्सप्रेस का ठहराव जल्दी से जल्दी दे दें। मुरी एक्सप्रेस हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, पंजाब जाने के लिए, जम्मू कश्मीर जाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण ट्रेन है। इसको पकड़ने के लिए हमको इटावा जाना पड़ता है, इससे समय की बर्बादी होती है, पैसों की बर्बादी होती है। पिछले तीन सालों से बहुत ही हम लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। इस कारण से हमारी ये मांग है कि मुरी हो गई, संगम हो गई और ये महानंदा एक्सप्रेस, तीनों गाड़ी जो कोरोना काल में बंद हुई थी उनका ठहराव निश्चित किया जाए। अच्छा, आप व्यापारी हैं? जी, मैं व्यापारी हूँ। आप अपना व्यापार के लिए किस क्षेत्रों की यात्रा करते हैं? व्यापार के लिए खास तौर से हम लोग लुधियाना जाते हैं, उसके लिए हम लोगों के लिए सबसे मेन ट्रेन ये मुरी एक्सप्रेस थी, जिसके बंद होने से हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।